नमस्कार, आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत पर बनने वाले चतुर्भुज चिन्ह या फिर वर्ग चिन्ह जो आप कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्ग चिन्ह जब भी या चतुर्भुज चिन्ह जब भी मैं शब्द बोलता हूँ या आप सुनते हैं कहीं से भी या पढ़ते हैं, आपके दिमाग में केवल एक चीज़ आता है कि ये रक्षा का प्रतीक है। मैं मना नहीं करता, मैं बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, ये रक्षा का प्रतीक है। जहाँ पे भी बनता है उस पर्वत से जुड़े हुए नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक ये कम करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। चतुर्भुज के चिन्ह का रोल ही ऐसा कहा गया है। लेकिन क्या इतना ही रोल है? क्या इससे हमको तकलीफें नहीं आएंगी? क्या हमारे जीवन में इसका निगेटिव इम्पेक्ट नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चिन्ह है, इसको बहुत ध्यान से समझना। आज का जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। ये अनुभव से प्राप्त ज्ञान है और इसको आप अपने हाथ में आजमाइए, आपको बहुत सटीकता नज़र आएगी। ठीक है, तो ये आप पूरा अगर ये वीडियो देखते हैं ना, आपको बहुत सरप्राइजिंग होगा, आप चौंक जाएंगे इसके फल को लेकर। आज से पहले आपने ऐसा फल नहीं सुना होगा, इसकी गारंटी है। चलिए कंटेंट शुरू करूं, इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है जो हमेशा करता हूं मैं, कि जो नए हैं जो पहली बार चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आ सके और मेरा भी सपोर्ट हो सके। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। दूसरा चीज़, जो वीडियो देखने के बाद में लगे कि चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं मैच हो रही हैं, दोनों कंडीशन में आप कमेंट्स कीजिएगा। अगर मैच हुई तो मेरे लिए ये उत्साह का एक प्रोत्साहन का सब्जेक्ट होगा, और नहीं मैच होती हैं अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मेरे लिए भी एक सीखने का सब्जेक्ट होगा। ज्योतिष एक समुद्र है, इस पर कोई भी व्यक्ति महारत हासिल नहीं कर सकता या नहीं कर पाया होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, हर कोई विद्यार्थी है, सीख ही रहा है अनुभव से। जो भी अनुभव से जो चीज़ें मैच हो रही हैं या प्राप्त हुई हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा। चलिए कंटेंट्स पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप सुनते हुए आए हैं, अक्सर सुना होगा आपने या पढ़ा होगा, या आप पामेश्री थोड़ा बहुत भी शौक रखते हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा, चतुर्भुज का चिन्ह हमेशा हर जगह रक्षा का कवच बनता है, रक्षा को बताता है। किससे रक्षा को बताता है? उस पर्वत से जुड़े हुए जो भी नेगेटिव पहलू हैं जीवन में, उनसे हमारी रक्षा करता है। हमने ये सुना है, पढ़ा है, देखा है ना? अब देखिए, मान लेते हैं इसकी स्थिति पे इसका फल बहुत ज़्यादा बदलता है। ठीक है, इसकी स्थिति पे अब शुक्र का पर्वत कहने से ये पूरा एरिया आपका शुक्र का पर्वत हो गया है ना। अब इस पूरे एरिया में चतुर्भुज कहाँ पे बन रहा है उस पे फल का कथन कहना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बहुत अलग कह बैठेंगे जो मैच नहीं होगा इंसान के साथ में। अब देखिए, अगर मैं बोलूं आपकी इसको लग्जरीज की रक्षा करता है तो कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ हाँ मेरे लाइफ में ऐसा है। ऐसा नहीं है। ठीक है, और पहले चिन्ह को पहचानना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ चतुर्भुज का चिन्ह होता कैसे है। अब तो सबको पता है, एक वर्ग का जैसा होगा या आयत के जैसा होगा, चतुर्भुज होगा, चार भुजाएँ होंगी। ठीक है, वो तो ठीक है। अभी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे खड़ी खड़ी दिखती हैं आपको, और बहुत सारी रेखाएं आड़ी भी दिखती हैं बारीक बारीक सी। अब आप बोलेंगे चतुर्भुज है? नहीं, ऐसे में आपके हाथ में एक नहीं कम से कम 200 चतुर्भुज होगा, और हर किसी के हाथ में होगा। अगर 100 आदमी का आप हाथ देखते हैं तो 100 आदमी के हाथ में ये दिखाई देगा। ये चतुर्भुज नहीं है, इसको आप चतुर्भुज नहीं मानना है। चतुर्भुज आपको कब होगा और कैसे होगा? चतुर्भुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से आपको चतुर्भुज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बारीक लकीरों से, वो स्पष्ट रूप से आपको सामने नज़र आएगा, वो चतुर्भुज है। ठीक है, स्पष्ट चार रेखाएं एक दूसरे को एकदम क्लोज करती हुई दिखेंगी। ठीक है, और ये स्पष्ट होगा, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़े, आपको एकदम आँख में तुरंत नज़र आएगा कि हाँ भाई ये चतुर्भुज है, यहाँ तो बना हुआ वर्ग चिन्ह, ऐसा दिखेगा आपको, तभी वो चतुर्भुज है और तभी उसका पूरा फल मिलेगा आपको। बाकी खड़ी रेखाएं, आड़ी रेखाएं हर किसी के हाथ में होती है, 100 में से 100 व्यक्ति के हाथ में आपको चतुर्भुज मिल जाएगा, ऐसा आप देखोगे तो। वो चतुर्भुज नहीं है, ये लोग उसको यूट्यूब पे ज़बरदस्ती का बना के कुछ भी शब्द बोलना होता है और बोल जाते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी बोल गया चतुर्भुज है, आपको आपके जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष के बाद सफलता मिल जाएगी, लाइफ में लग्जरीज हो जाएगी, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। कौन ऐसा इंसान है जो आज के डेट में भूमि भवन वाहन का सुख नहीं पाता है? सब कोई पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये कॉमन शब्द, कॉमन स्टोरी सबको ही सुनाएंगे, इसका अर्थ नहीं होता, इनका कोई वैल्यू नहीं है छोटी छोटी रेखाओं का,
मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में इनकी क्या मायने हैं इन रेखाओं का, ठीक है। लेकिन चलिए आपको एक लाइन पे मैं बताते चलूँ। अगर आपको स्पष्ट रूप से एकदम बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अलग से हाथ में जैसे फैलाएंगे अपना हाथ, आपको स्पष्ट रूप से अगर चतुर्भुज बनता दिखता है, इसका क्या मायने? अगर ये चतुर्भुज एकदम बीचों बीच है, ना ज़्यादा अंगूठे की तरफ ना ज़्यादा जीवन रेखा की तरफ, बीचों बीच ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत श्रेष्ठ है, ठीक है। इसको कहा जाता है कि अगर अंगूठे के साइड में जाता हुआ चतुर्भुज है तो अच्छा माना जाता है, और जीवन रेखा के साइड में जब जाता हुआ चतुर्भुज दिखता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, मान लेते हैं अभी बीच की स्थिति में बना है, ठीक है, बीचों बीच चतुर्भुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो क्या है इसका श्रेष्ठ फल है? अब आपको रक्षा का प्रतीक पूरा तरीके से ये अपना वादा निभाएगा आपके साथ में। अनेक ऐसे लोगों को देखिए, अब इनको मैं बोल दूँ, अगर ऐसे लोगों के अनेक संबंध होते हैं तब तो फिर मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं गलत भी नहीं बोल रहा हूँ। अब उसको अनेक संबंध होंगे कि नहीं होंगे, शुक्र अच्छा उन्नत है, उस पर स्क्वायर है, तो अनेक संबंध होंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी के साथ में चरित्रहीनता करेगा वो, ठीक है। ऐसे लोगों को अपोजिट जेंडर से काफ़ी अच्छा संबंध होता है, ठीक है, उनसे हेल्प मिलता है, उनके साथ में एक बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। तो अब ये सम्मान कब मिलता है? जब आप किसी को सम्मान देते हो, ऐसे मतलब इसका ये कहा जाएगा, ऐसे लोग स्त्रियों का अगर माइंड लाइन हार्ट लाइन अच्छी है, शुद्ध है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन शुद्ध है, यानी कि मस्तिष्क में कोई प्रकार की मलिनता नहीं है, शुद्ध माइंड लाइन है अगर, और हार्ट लाइन भी शुद्ध कंडीशन में है, तब ये फिर कहा जाएगा शुक्र उन्नत है और स्पष्ट रूप से बना है, तो ये कहा जाएगा ऐसा व्यक्ति स्त्रियों का बहुत सम्मान करने वाला होगा, चरित्र का बहुत उत्तम व्यक्ति होगा। ऐसे लोग गृहस्थ का भरपूर सुख पाते हैं, इनका गृहस्थ बहुत उत्तम तरीके से होता है, ससुराल धनी होता है, ससुराल से विशेष लाभ होता है, सास ससुर का जो छाया है वो काफ़ी इनके लिए शुभकारी होता है, या फिर बोलो पिता तुल्य, यानी पिता के समान ही, ससुर भी तो पिता तुल्य ही होता है, लेकिन ऐसे लोग जिनके शुद्ध तरीके से होता है, ऐसे लोग सास ससुर भी इनको अपने बेटे के जैसा ही मानते हैं, इनको दामाद वाली फीलिंग नहीं देते, अपने बेटे वाली फीलिंग देते हैं। ये सारी चीज़ें, ससुराल से प्यार, आपको ससुराल से धन का लाभ, स्त्री से धन का लाभ, स्त्रियों का जीवन में सहयोग, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये बताता है। उसके साथ में ये तो हो गया संबंध से रिलेटेड, उसके बाद में लाइफ में शुक्र क्या है, लाइफ में लग्जरीज है ना, आपका भोग विलास सानो शौकत है, तो वहाँ पे भी अगर ये चतुर्भुज का चिन्ह बना है तो ऐसे लोगों को जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है। चीज़ें जो है इनकी भौतिकता से जो जुड़ी चीज़ें हैं, वाहन हो गया, लग्जरी चीज़ें हो गई, इनसे इनका सुख इनको भरपूर रूप से जीवन में मिलता है, कोई प्रकार का इनको तकलीफ नहीं आता। और ऐसे लोगों, दूसरा शब्द में देखो, केतु को भी देखा जाता है खैर, लेकिन मैं इसको अगर यही शुद्ध कंडीशन में, तो भी ऐसे लोगों को वाहन का भरपूर सुख मिलता है, एक क्या अनेक वाहन भी हो सकते हैं इनके पास में, एक से ज़्यादा वाहन का भी सुख मिलता है, एक से ज़्यादा प्रकार के वाहन का सुख मिलता है, एक से ज़्यादा प्रकार के बंगलों घर लग्जरीज चीज़ों को भी बताता है। और उनसे रक्षा, उनसे रक्षा मतलब क्या होगा, अब ऐसे लोगों को कई जन होते हैं जिनका, आप जैसे कि एक रेखा मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखना, कभी कभी एक शुक्र से एक रेखा निकल के जाती है, मंगल पर ख़त्म हो जाती है ऐसी रेखा, ठीक है। ऐसी रेखा वालों के पास भी वाहन होता है, वाहन का सुख तो मिलता है, ठीक है, लेकिन इनको वाहन, इनका वाहन आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होगा या कोई ना कोई प्रकार से ख़राब होते रहेगा, ऐसी सिचुएशन को बताता है ये, है ना। तो अगर ये रेखा है और उस चतुर्भुज भी है तो फिर फल को न्यूट्रल कर देगा, आपको रक्षा तो कर देगा, लेकिन फिर भी नुकसान वो रेखा अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, तो हो सकता है एक्सीडेंट होगा तो आप बच जाओ, ठीक है, ऐसी चीज़ों को ये बताता है। तो ऐसा मैं कहने का मतलब क्या है, अगर ये पवित्र रूप से है, शुद्ध रूप से है, ऐसे लोगों को वाहन का पूर्ण सुख मिलता है, वाहन को इन लोग बहुत चमका के रखते हैं, कोई भी चीज़ इनको, जैसे इनका अट्रैक्शन पार्ट पे बताता हूँ, देखो अब इनका क्या रहता है, ऐसे लोगों का अच्छे तरीके से पहनने ओढ़ना, अच्छा ड्रेसअप सेंस, ठीक है, चटक रंग ज़्यादा पसंद आते हैं, यानी कि जो ब्राइटिश कलर होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं, वाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है, लाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है ऐसे लोगों को। और इनके जो वाणी में आपको सरलता, मधुरता, सौम्यता, ये जो चीज़ें हैं ना, इन समावेश मिलेगा आपको, बहुत सॉफ्ट तरीके से हंसमुख प्रवृत्ति ऐसे लोग होते हैं, संगीत कला के शौकीन होते हैं, ये सारा चीज़ जो भौतिकतावाद से जुड़ा हुआ है, साजो श्रृंगार से जुड़ा हुआ है, उन पे इनका भरपूर रूप से ध्यान होता है, ठीक है ना। तो अच्छा दाम्पत्य को बताया, वैसे अच्छे सुख को बताया आपका,
धन दौलत की स्थिति अच्छी होगी, भौतिकता अच्छी है, तो इन जो चीज़ें हैं इनको समावेश करता है। अगर बीचों बीच बढ़िया शुद्ध रूप से बड़ा है तो और अच्छा, छोटा है तो अच्छा ही है, लेकिन बड़ा है शुद्ध रूप से तो बहुत बड़ा आपका क्षेत्र होगा, धन का क्षेत्र आपका बड़ा होगा। ऐसे ही इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। वैसे मान लो अब ये देखिए, किसी को हम बोलते हैं ना कोई दो नारी से अगर संबंध है किसका, तो वो गलत है ऐसा तो हम सामाजिक रूप से देखते हैं, किंतु अगर वो स्त्री का सम्मान करे, वो स्त्री की मर्जी के साथ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और तो ये चीज़ों को आप ज्योतिष के नज़र में आके देखेंगे ना, तो वो उसको गलत वे पे नहीं देखता, वो देखता है कि प्रणय संबंध को बताता है ना, अट्रैक्शन को बताता है। तो ऐसे लोगों का अनेक मान लो संबंध है भी, और ये दोनों लकीरें अगर शुद्ध कंडीशन में हैं तो भी ये उनसे कभी इनको बदनामी नहीं होती, सुचारू रूप से उनका जीवन चलता है, स्त्री का कभी भी इनके ऊपर में कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, ऐसा आप देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर माइंड लाइन गंदी है, टूटी फूटी है, फैल के चल रही है, मलिन है कहने का मतलब, और हृदय रेखा भी मलिन है, द्वीप युक्त है, ऐसी चीज़ें बन रही हैं और शुक्र बहुत उन्नत है और यहाँ पे बन रहा है, तब फिर मलिनता इसके स्वभाव में आ गया, इसके मस्तिष्क में आ गई, तब शुक्र इनको भटकाना ही है। तब शुक्र भटकाएगा तो क्या होगा, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध करेगा। लेकिन फिर भी अगर चतुर्भुज स्पष्ट रूप से साफ सुथरा बना हुआ है, कोई उसमें टूट नहीं है कहीं से भी, तो इतना होने के बाद भी इसके दाम्पत्य को, इसके सम्मान को ये रक्षा का वचन देगा, उससे ये रक्षा करेगा इसकी, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से देखना है। अच्छा, इसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हृदय रेखा का रोल, चाहे पहले कंडीशन में चाहे दूसरे कंडीशन में, ठीक है ना। अगर हृदय रेखा किसी व्यक्ति की जितनी मतलब धनुषाकार की चलेगी, वक्राकार होकर चलेगी जितना, ये आपके रोमांटिक नेचर को बताता है। और अगर ये गुरु पर गई है तो और अच्छा बात, शनि पर गई है तो थोड़ा कम अच्छा, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो ऐसी स्थिति होगी तो ये आदमी बहुत रोमांटिक भी होगा। अब यहाँ से भी शुक्र रोमांस का कारक है, और हृदय रेखा भी अगर रोमांटिक है तो ऐसा इंसान बहुत रोमांटिक होगा, अपनी पत्नी के साथ में बहुत प्यार का प्रदर्शन के तरफ में इसका ज़्यादा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। हर चीज़ों को रोमांटिक वे से हैंडल करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। वैसे ही अगर हृदय रेखा अगर सीधी हो गई, हृदय रेखा अगर एकदम सीधी जा रही है ऐसी, तो ऐसे लोग रोमांटिक कम होंगे, ऐसे लोग ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल में भी जाते हैं, प्रेम का प्रदर्शन करना इनको पसंद नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसा आप देख सकते हो। तो थोड़ा रोमांटिक नेचर में कमी आ रही है, अब ये तो है रोमांटिक चिन्ह, तो ऐसे लोग थोड़ा स्वार्थ आता है इनके प्यार में, ठीक है, वासनात्मक प्यार होगा, ऐसा आप समझ सकते हो उसको। लेकिन अब यही चतुर्भुज की दूसरी स्थिति पर बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति क्या बनेगी, ध्यान से देखना है, ये तो मैंने बीचों बीच बना दिया, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यही जो चतुर्भुज है आपको जीवन रेखा पे मिल गया। चलिए अभी दूसरी कंडीशन पहले बताता हूँ, तो फिर वो कन्फ्यूज होंगे आप। अब ये चतुर्भुज आपको जीवन रेखा के एकदम करीब, मैं बोल रहा हूँ जीवन रेखा के करीब, ठीक है, जीवन रेखा से एकदम पास में है, लेकिन जुड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दूरी बनाए हैं चिन्हों, दोनों चिन्ह और रेखा के बीच में, वैसा दूर तो है, रेखा से जुड़ा नहीं है, लेकिन रेखा से एकदम पास में है। किस कौन सी रेखा से, जीवन रेखा से, जीवन रेखा से एकदम पास में है पर जुड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति होगी तो अब ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोग मान लो किसी के प्रेम संबंध से मैं जोड़ के देखता हूँ, बाकी चीज़ों के लिए तो वही सेम फल रहेगा इसका, लग्जरीज वगैरह की चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर संबंधों की बात कर लें, क्योंकि जीवन रेखा आपका कुल कुटुंब है, आपका संतान है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य है, इन तीन चीज़ों को लेके चलता है जीवन रेखा, आपके कुटुंब को, आपके स्वजन कहने का मतलब, आपका संतान सुख और आपका स्वास्थ्य, इन चीज़ों को लेके चलता है जीवन रेखा। अब इसके जब पास में ये जाने लगेगा तब यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगता है। क्या प्रॉब्लम आता है, मान लो एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, ठीक है, तो उसका प्रेम से मन भर जाता है, कहने का मतलब कोई ना कोई ऐसी पारिवारिक स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, या पारिवारिक कारण ऐसा जनरेट हो जाता है जिसके कारण से, या कभी कभी अपने प्यार का सेक्रीफाइस वो कर देता है, विवाह में कन्वर्ट नहीं कर पाता अपने परिवार की खुशी के लिए, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का प्रेम अधूरा प्रेम रहेगा, या फिर बोलो कि प्रेम से त्याग देते हैं, या फिर बोलो कि प्रेम के मायाजाल से ही हट जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है, ये इस स्थिति को बताता है। वैसे ही अगर मान लो
अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, पारिवारिक कारण होगा, चाहे परिवार कारण बने, चाहे आप परिवार के लिए सेक्रीफाइस कर दो, वो अलग इशू है ना। अब ये मान लेते हैं कि आपको यह जो चतुर्भुज है उसकी एक भुजा जीवन रेखा ही है, यानी जीवन रेखा पे ही बन गया आप चतुर्भुज। लेकिन ध्यान देना, इस साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस साइड नहीं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना ठीक है। उसका अलग मतलब होगा, वो उसका फल अलग है। मैं शुक्र पर्वत पे, अभी देखो चतुर्भुज बना किस पे है, शुक्र पर्वत पे है, लेकिन जीवन रेखा पे जाके संलग्न है। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये अब बहुत प्रॉब्लम को बताएगा। अब पारिवारिक मसलों के यानी पारिवारिक चीज़ों के कारण से परेशानी आएगी ठीक है। परिवार में आपकी छवि उस पर्टिकुलर प्रेम संबंध के कारण से बदनाम हो जाएगी। अब आपको ये रक्षा का वचन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि अब ये चतुर्भुज नहीं है, ये केवल तीन रेखाओं का घेरा है, चतुर्भुज नहीं है। वो चौथी जो भुजा है वो तो जीवन रेखा है, वो चतुर्भुज की रेखा नहीं है ठीक है। भले ही चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे संबंध में ये बदनामी करा देगी। ये बदनाम प्रेम के कारण से बदनाम होना, परिवार में बदनाम हो जाना ठीक है, अपने कुटुंब में बदनाम हो जाना, ऐसी स्थिति को बताता है। ये अच्छी स्थिति नहीं है ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें जस्ट अपोजिट सेंस आ गया ना, चतुर्भुज तो है लेकिन बदनाम करा रही है, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे ही होता है इसको, इसीलिए स्थितियों पर बहुत जोर देता हूँ मैं। ये क्या हो गया, अभी बदनाम की स्थिति। ऐसे लोग अपने कोई भी कारण हो सकता है, लड़की लेके दोनों के बीच में ऐसा हुआ और वो लड़का लड़की को लेके चला गया, फिर पारिवारिक मसलों के कारण से उसको वापस लौट के आना पड़ा और वहाँ से फिर वो बदनाम हो गया और ना प्रेम मिला ना आप उसका सम्मान मिला, दोनों चला गया। ऐसी स्थिति भी हो सकती है ठीक है, या कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण से आप कुल कुटुंब में बदनाम होंगे, वो भी प्रेम संबंध के कारण से, ऐसी स्थिति को ये बताता है ठीक है। अब वही आप देखेंगे, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, एक और बहुत बढ़िया स्थिति इसमें बनती है। अब यही चीज़ मैंने बनाया था, इस पर ध्यान देना है, ये जो मैंने बनाया ना, ये आपको केतु क्षेत्र में नहीं बनना चाहिए। जो क्षेत्र है ना आपका, ये क्षेत्र ये आपका केतु का क्षेत्र है, मैं इसको मणिबंध बनाया, तो ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा आपका केतु का क्षेत्र है। ये अगर जो पहले वाली स्थिति में आपको मैं बकेट से बनाता हूँ, ये मणिबंध हो गया आपका, ये जो क्षेत्र है आपका केतु का क्षेत्र है ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपको चतुर्भुज बना था शुक्र पर्वत पर यहाँ पे, तो मैंने कहा कि बदनामी कराती है, लेकिन अगर यही जो चतुर्भुज है वो आपको जीवन रेखा से तो बन रही है, लेकिन एकदम केतु पे यानी कि बिल्कुल नीचे पे बन रही है, नीचे पे केतु के क्षेत्र पे बन रही है। अब केतु किसका, केतु मतलब क्या, केतु मतलब आपका त्याग, आपका अध्यात्म, आपका एकांतवास, मोह माया से हट जाना, बड़ा असमंजस की स्थिति बनाता है ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो आप इसको, शुक्र है ये, शुक्र आपको मायावाद है, भौतिकता है ठीक है ना। केतु क्या है आपका, अध्यात्म है, जहाँ पे अध्यात्म में आदमी कब जाता है, मोक्ष है आपका केतु। आप मोक्ष में आदमी कब जाता है, जब मायावाद को त्यागता है ना। इसीलिए ये मन और माया, इसके बीच में ही मोक्ष है, समझ गए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्योतिष को समझिएगा तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब तक आपका मन माया में रहेगा तब तक आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला है ठीक है ना। तो आपका जब मन से ही आपका माया और मोक्ष साथ में बिल्कुल इंड हो रहा है केतु पर, इसका मतलब क्या है, अब ऐसा आदमी किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम में बहुत दीवानों के तरीके से फंसा, बहुत प्रेम से उसने मतलब दिल लगाकर प्रेम किया। देखिए मैं प्रेम, अगर प्रेम बार बार कह रहा हूँ ना, तो केवल और केवल इसको किसी प्रेमी प्रेमिका के जोड़े से मत देखिए। हो सकता है आप अपने दाम्पत्य जीवन में आप अपनी पत्नी से गंभीर रूप से प्रेम करते होंगे ठीक है, और उस प्रेम का वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है जितना आपको उम्मीद करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या परिवार से आप प्रेम करते हैं, आपकी कोई प्रेयसी नहीं है, आप सिंगल हैं, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परिवार आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है ठीक है ना। तो केवल प्रेमी प्रेमिका नहीं समझना, मैं समझाने के लिए आपको यह कह रहा हूँ। तो अब ये व्यक्ति मान लो किसी प्रेमिका के से ये बहुत प्रेम किया उसने, अब उसका प्रेम अधूरा रह गया। क्यों अधूरा रह गया, क्योंकि यहाँ पर भी चतुर्भुज नहीं बना है, तीन भुजाएं हैं, चौथी भुजाएं जीवन रेखा है, तो यहाँ तो चतुर्भुज टूटा हुआ है, तो ये अधूरा प्रेम को बताता है। प्रेम संबंधों में या फिर कोई भी सम प्रकार के संबंधों में ये दुख, वेदना, बिच्छो, इन चीज़ों को बताता है ठीक है ना, कभी भी टूटना।
अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तीन भुजा है, चौथी भुजा तो जीवन रेखा है, और उसमें भी केतु पे जाके ऐसा हो रहा है। इसका मतलब अब इतना ज़्यादा ये दिल इसका टूटेगा, बहुत बुरा इसका दिल टूटेगा, और ये प्रेम मोह माया से एकदम उठ जाएगा, इसका मन ही हट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, एकांतवास में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जैसे कई लोग होते हैं ना प्रेम प्रेम के संबंध में गंभीर रूप से फिर एकदम खामोशी ज़िंदगी जीने लगते हैं, अकेलापन में जीने लगते हैं, एकांतवास करने लग जाते हैं। इन जो चीज़ों है ना, ये सारी चीज़ों को बताता है। कई लोग होते हैं कि बाबा बन जाते हैं, जाके अध्यात्म में चले गए, दुनियादारी छोड़ दिए। अब कोई लड़की के लिए तो अध्यात्म में नहीं जाता है, हो सकता है अपने पारिवारिक झमेलों से, परिवार के लोगों से इतना परित्यक्त अपने आप को फील करने लग जाइए कि पूरा परिवार का मोह माया छोड़ दे और जाके फिर अध्यात्म में भगवान का भजन करने लग जाए, अध्यात्म में अपना मन लगाने लग जाए, मानसिक संतुष्टि शांति वहाँ पे फील करने लग जाए, ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है। तो कहने का मतलब मोह को परित्यक्त, मोह जाके मोक्ष पे चला गया तो माया खत्म। ठीक है, माया खत्म तभी तो मोक्ष पे पहुँचा, तो अब वो मोह माया त्याग दिया, अब जाके मोक्ष पे, मोक्ष की ओर वो जाएगा, अध्यात्म के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने लग जाएगा। इसको इस तरीके से देखना है। ठीक है, अब मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक और स्थिति बताता हूँ, इसके साथ में आ गई तो मैं बता देता हूँ। एक स्थिति ये देखिए, अब यहाँ पहले वाली स्थिति मैंने बनाया था, अब ये बदनामी कराने वाली बात थी, केतु पे नहीं है, इसको केतु के ऊपर समझिए इसको। ठीक है, मैं ऊपर ही बना देता हूँ, फिर आप कन्फ्यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनी थी, और वैसे ही चतुर्भुज अगर आपको यहाँ पे भी बनता दिख गया, कहाँ पे, मंगल पे, देखिए ये मंगल का क्षेत्र है, ये शुक्र का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है। ठीक है ना, अगर आपके मंगल पर ये चतुर्भुज बनता दिखे आपको, और यहाँ पे भी चतुर्भुज बनता दिखे, आप देखिए केवल अगर मंगल पे चतुर्भुज होता है तो मैं अच्छा अच्छा बात करता है ना, आपको कोर्ट कचहरी का मैटर से बचाता, शारीरिक रूप से बलिष्ठ रखता, दुनिया भर की चीज़ें बोलता। लेकिन अब दोनों का कॉम्बिनेशन, अब क्या अर्थ निकालेगा इस दोनों का कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या निकलेगा? अब ऐसा व्यक्ति को बदनामी हो तो होना है। ठीक है, अब वो बदनामी के कारण से इसके ऊपर हो सकता है कुछ कानूनन कार्यवाही भी हो जाए, लड़की चक्कर में हो, चाहे कोई भी चक्कर में हो, चाहे पारिवारिक इशू हो, इसके ऊपर में उस जो प्रेम के कारण से बदनामी जो मिली, वो बदनामी का स्वरूप चेंज हो सकता है। हो सकता है कुछ कानूनी मसला में फंस के बदनाम हो जाए, उसके ऊपर कुछ लीगल मैटर इशूज आ जाएँ, उसके कारण से उसका जीवन में बदनामी आ जाए, ये इस चीज़ को भी बताता है। ठीक है ना, तो अगर ये कॉम्बिनेशन दोनों हैं तब तो अच्छा नहीं है। अब ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार और कह रहा हूँ, चतुर्भुज का चिन्ह स्पष्ट होना चाहिए, जो आपको खोजना ना पड़े स्पष्ट रूप से। जैसे आपकी सूर्य रेखा देखने को दिखती है ना, वैसे ही चतुर्भुज भी आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। एकदम खोज के कोई भी आड़ी टेढ़ी रेखा जा रही है वहाँ चतुर्भुज बन रहा है, उसको नहीं पकड़ना है, वो चतुर्भुज नहीं है, उसका कोई फल नहीं होता। ठीक है, वो सूक्ष्म रेखाएं हैं, उसी बिल्कुल समय के साथ बदलते रहती हैं, सीजनल रेखाएं हैं, उनका कोई मायने नहीं होता। खड़ी रेखा प्रोग्रेस को बताती है, हम अच्छा मानसिक रूप से बली होते हैं, खुश रहते हैं, अच्छी सोच होती है, तब खड़ी रेखाएं बनती बारीक बारीक, और जब हम चिंता डिप्रेशन टेंशन कोई चीज़ का होता है तो हमारी छोटी छोटी आड़ी रेखाएं बनती हैं, तो वो सीजनल रेखाएं उसका मायने नहीं। जो एकदम स्वरूप उसका स्पष्ट हो तभी ये देखना। अगर ये दोनों कंडीशन है, अच्छी स्थिति नहीं है, जितना हो सके प्रैक्टिकल होकर सोचिए, फैसला लीजिए, इमोशनल होकर फैसला मत लीजिए, दिल की मत सुनिए, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा। ये आपको इस तरीके से उसके फल को देखना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अब बहुत लोग का क्वेश्चन आएगा कि अगर चतुर्भुज तो है सर, तीन बना है, लेकिन यहाँ पे जाके बीच में गैप हो गया है, या फिर किसी का टूट टूट के चतुर्भुज बना है, मतलब कि चतुर्भुज आपका कहने का मतलब आपका चतुर्भुज आपका धूमिल है, टूटा हुआ है, पूरा तरीके से क्लोज नहीं है, ऐसा चतुर्भुज है तो क्या होगा? देखिए ये संघर्ष को बताता है। ठीक है, धन का खर्च को बताता है, लग्जरीज के पीछे आदमी पागल हो जाता है, उसके पीछे धन खर्च करने लगता है, प्रदर्शन को, झूठा प्रदर्शन को, झूठा शानो शौकत को पूर्ति करना, उसके लिए धन को व्यय करना, इसको भी बताता है। वैसे ही आपके जीवन में लग्जरीज के लिए संघर्ष को भी बताता है। तो इसके स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको धन के लिए, भौतिकता के लिए संघर्ष करता हुआ मिलेगा। दाम्पत्य की अगर बात करूं तो दाम्पत्य या फिर कोई भी प्रकार का प्रेम संबंध के लिए ये अच्छा नहीं है। चाहे आप सिंगल हैं तो आपका संबंध अच्छा नहीं होगा प्रेमिका के साथ में, प्रेमिका से धोखा, प्रेमिका से बदनामी, या अगर दाम्पत्य में है तो पत्नी का आपके साथ तालमेल ना जमना, पत्नी के कारण से बदनामी, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं। अब इसको बोलते हैं दुख पे दोहरा। अब दुख पे दोहरा क्या होता है बताता हूँ। मान लेते हैं अभी आपको ऐसी रेखा मिली,
चतुर्भुज आपका टूटा हुआ चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसा बना हुआ मतलब टूट गया है पूरा, कोई भी प्रकार से डैमेज है। और साथ में आपको दिखता है, चाहे वो खड़ी रेखा पे आपको यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे दे या कोई आड़ी रेखा है उस पर यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे दे, शुक्र पे यव भी हो और चतुर्भुज भी हो वो भी टूटा हुआ, अब अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी, ठीक है, अब बहुत बुरी स्थिति कहलाएगी। एक स्थिति या तो ऐसी हो, ठीक है, या फिर दोनों का फल एक ही आया था उसको बता देता हूँ, या फिर आपको यहीं पे है जीवन रेखा पे जुड़ा हुआ चतुर्भुज है और यहाँ पे यव चिन्ह बन रहा है, ऐसी स्थिति, ठीक है ना, तब क्या होगा, यव का चिन्ह जो नहीं जानते उनको मैं एक बार बड़ा करके बता देता हूँ, कोई भी रेखा पे यव ऐसा बनता है इसको बोलते हैं यव का चिन्ह, ठीक है, एक अचानक से रेखा फूलान आ जाता है उसको बोलते हैं यव का चिन्ह। तो ऐसी अगर स्थिति बनती है, दोनों चीज़ शुक्र पर्वत पर समान रूप से मिलता है, एक साथ मिलता है, ये अच्छी स्थिति नहीं। अब आपको आपके संतान से बहुत भारी पीड़ा मिलेगी, आपको संतान आपका साथ नहीं देगा, ऐसे लोगों को बुढ़ापे में संतान साथ नहीं देता, या फिर जवानी में भी बोलो, जब भी संतान के कारण से बच्चा है संतान, तो उसके स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर उसके कारण से आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, और अगर बड़े हैं वो बूढ़े हैं आप, तो आपकी संतान आपका साथ नहीं देगी, संतान त्याग देगी या फिर बोलो कि होके भी नहीं होने के बराबर काम करेगी, आपको कोई ना कोई प्रकार से संतान से गंभीर पीड़ा मिलेगी, हर प्रकार के लिए तरसाएगा संतान आपका, भौतिकता यानी कि आपके धन संबंधी मामले पे, आपके लिए लग्जरीज के लिए आपको तरसाएगा, आपको बहुत बुरा प्रताड़ना देगा। और कभी कभी इसके साथ में अगर चंद्रमा पर चंद्रमा दबा हो, चंद्रमा पर बड़ा साइज का क्रॉस बन रहा हो या छोटा क्रॉस दो तीन बन रहे हों और भी ज़्यादा ख़राब, या फिर शनि पर भी ऐसा क्रॉस बन रहा है तो और ख़राब, तब ऐसी स्थिति में आदमी जो है संतान की कष्ट की पीड़ा के कारण से अपने आप को ख़त्म करने तक का सोच बैठता है, आत्महत्या के प्रयास या फिर आत्महत्या को भी ये बता देता है, तो दुख और पीड़ा के कारण से आत्महत्या या उसका प्रयास को ये बताता है अगर ऐसी स्थितियाँ हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये बहुत सारे इसके पहलू है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, पोजीशन पे ही आपको जाके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो देखिए अब तक आपने जो देखा होगा यूट्यूब पे या फिर आपने सुना होगा कि चतुर्भुज के चिन्ह केवल और केवल रक्षा का प्रतीक है, ऐसा नहीं है, चीज़ को दिमाग से निकाल के चलिएगा। पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, सही से सीखना चाहते हैं, तो आपको स्थितियों को गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा। और पामिस्ट्री आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी समझ लीजिए या मेरे को कितना भी सुन लीजिए, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप पामिस्ट्री को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं जोड़ के देखेंगे, ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपको देखना ही पड़ेगा, तभी जाके ज्योतिष अध्यात्म की एक शाखा है, जब तक उस चीज़ को हम नहीं मानेंगे ना, हम पामिस्ट्री या कोई भी प्रकार का ज्योतिष हम नहीं सीख सकते, आध्यात्मिक होके सोचना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये था आज के जो विषय था वर्ग चिन्ह के बारे में या चतुर्भुज चिन्ह के बारे में डिटेल्स, आशा करता हूँ आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और लगता है ये ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रोत्साहन मिलनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अभी कोई भी व्यक्ति कोई भी प्लेटफॉर्म पे तभी उठ पाता है जब लोगों का सहयोग मिलता है, मुझे लगता है कि मेरे पास दो चार समुद्र के जो ज्योतिष का जो समुद्र है उसमें एक आध दो बूंद तो मेरे पास ज़रूर है, ऐसा मुझे लगता है। और आपको भी अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।